गुड इवनिंग दोस्तों, फाइनली यहाँ पे नर्सिंग ऑफिसर भर्ती 2023 का रिजल्ट है वो डिक्लेयर कर दिया गया है। सभी कैंडिडेट को चैनल के माध्यम से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। ये जो लिस्ट है वो सिलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट है। यहाँ पे आप लोगों का अप्लीकेशन का नाम है, आप लोगों की जो आईडी है, जेंडर है, अप्लीकेंट का डेट ऑफ बर्थ डाला गया है, कैटेगरी है, अप्लीकेंट फादर्स नेम है, जो आप लोगों का मैरिटल स्टेटस है, उसके बाद जो स्पेशल एबल्ड है वो है यहाँ पे, और उसके बाद आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन उसका भी है, एक सर्विसमैन है। 70% जो एवरेज मार्क्स है आप लोगों का, कितना आप लोगों ने ऑब्टेन किया है, प्लस में आप लोगों ने बोनस अंक किन किन कैंडिडेट को मिला है वो यहाँ पे मेंशन किया गया है। टोटल मार्क्स आप लोगों का बोनस अंक ऐड करके यहाँ पे जो आपका टोटल मार्क्स प्राप्त किया है वो यहाँ पे मेंशन किया गया है, और सिलेक्टेड अगेंस्ट कौन सी कैटेगरी से आप लोग हैं वो सिलेक्ट हुए हैं। तो ऐसे करके ये रिजल्ट है नर्सिंग ऑफिसर भर्ती का, परमानेंट भर्ती का ये रिजल्ट है वो डिक्लेयर हो चुका है। चैनल के माध्यम से आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल रही है। टोटल पेज है यहाँ पे 773, तो इसका जो फुल पीडीएफ है टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है, वहाँ से आप लोग अपना नाम सर्च कर सकते हैं, और सर्च करने के बाद आप लोग देख सकते हैं कि आप लोगों का सिलेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है। ये जो 8000 वैकेंसी निकाली गई थी, 8000 कुछ, उस भर्ती का यहाँ पे रिजल्ट है वो डिक्लेयर किया गया है। कट ऑफ यहाँ पे क्या रही है वो आप लोगों को थोड़ा सा मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। बाकी चैनल पर जितने भी कैंडिडेट नए हैं, आगे आने वाले वैकेंसी और रिजल्ट के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोग कट ऑफ देख सकते हैं, गैर अनुसूचित क्षेत्र की अंतिम जो सिलेक्शन सूची है कट ऑफ वो यहाँ पे जनरल के लिए है 75 रही है, सामान्य महिला के लिए 69 है, विधवा के लिए 36 रही है ओनली। ऐसे करके ओबीसी की 69 है, सामान्य महिला की 66 है, और अनुसूचित जाति की 65 और 64, अनुसूचित 63, और जो ईडब्ल्यूएच के दोस्तों उसकी थोड़ी सी हाई रही है जनरल के करीब, और ओबीसी से थोड़ी सी हाई 71.83। सामान्य महिला के लिए 60%, शहरी के लिए 40% यहाँ पे रखी गई है। तो ये शानदार लिस्ट है, इसमें से टोटल 1013 कैंडिडेट का है वो रिजल्ट रोक लिया गया है। क्यों रुका है वो यहाँ पे लिखा गया है, और जो टोटल पोस्ट थी दोस्तों वो यहाँ पे 8700 पदों पर जो वैकेंसी निकाली गई थी राज्य स्वास्थ्य समिति परिवार कल्याण संस्थान जयपुर की तरफ से, राजस्थान की तरफ से। तो ये शानदार यहाँ पे रिजल्ट है वो डिक्लेयर हो चुका है। आप लोगों को सारी जानकारी इन्फॉर्मेशन हमारे चैनल के माध्यम से मिल चुकी है। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।